हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मौसम यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं राजस्थान वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। राजस्थान में बारिश का कहर मचा हुआ है दोस्तों। मैं स्वयं राजस्थान से हूँ और हमारे यहाँ पे जयपुर अलवर में काफी ज्यादा बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव वर्षा का रिपोर्ट भी आपको देने वाला हूं कि कितनी यहां पे वर्षा हो रही है, आपको वर्षा भी मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं बात करूं तो राजस्थान में जैसा कि मैंने वीडियो के अंतर्गत बताया था पिछले वीडियो में कि 24 से 28 जुलाई तक भारी मात्रा में बारिश की संभावना बताई जा रही है, उसी के मुताबिक राजस्थान में 24 जुलाई से बहुत ही भारी मात्रा में बारिश शुरू हो चुकी है। यानी कि लगभग अधिकांश जिलों के अंतर्गत भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश की संभावना बताई जा रही थी और भारी से भारी मात्रा में बारिश हो रही है। काफी जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन चुके हैं राजस्थान में। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पे संभावना से ज्यादा बारिश हो पाई है और किन किन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी भारी मात्रा में बारिश यहाँ पे होने वाली है, इसके लिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। दोस्तों इसी तरीके की पल पल की अपडेट मौसम विभाग की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानना चाहते हैं तो आप सभी से एक छोटी सी विनती है, छोटा सा आग्रह है आपको। दोस्तों इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, दोस्तों इसको दबा के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े। इसी के साथ दोस्तों सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक छोटे से बैल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे यह होगा जैसे ही कोई भी मौसम विभाग की बिल्कुल पुख्ता और सटीक लेटेस्ट खबर हमारे सामने निकल के आती है उसका वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को दिल से लाइक करें, वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों और मिलने वालों के बीच शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ के मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक जान सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में वर्षा की संभावना बताई जा रही है और किन किन क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात यहाँ पे राजस्थान में बन चुके हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं राजस्थान में यहां 5 इंच बारिश, एनीकट पर चली 2 फीट की चादर, कई बांधों का बड़ा जल स्तर। तो दोस्तों देख सकते हैं किन किन राज्यों के अंतर्गत यहां पे हाई अलर्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं हैवी रेन इन दौसा, राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। दौसा में सावन के 7वें दिन बुधवार शाम से बारिश का दौर चला और जोरदार यहां पे झमाझम हैवी रेन हुई। दोस्तों प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और बहुत ही भारी मात्रा में यहां पे बारिश बताई जा रही है। तो आप यहां पे देख सकते हैं बुधवार शाम से बारिश का दौर चला है जो जोरदार यहाँ पे झमाझम बारिश हो रही है दौसा के अंतर्गत, जिससे कई इलाके तर बतर हो गए हैं। जोरदार बारिश से कई बांधों में पानी की आवक शुरू हो चुकी है जिससे इनका जल स्तर बढ़ने लगा है। रिमझिम बारिश का दौर रात भर चलता रहा। जिले के रेडिया इलाके में 5 इंच तो सैंदल सागर में 7.5 इंच बारिश यहां पे दर्ज की गई। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं सागरों का जल स्तर भी बढ़ना शुरू हो चुका है। उसके बाद यहां पांच बारिश के चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। दोस्तों जोरदार बारिश के चलते जिले के चोबड़ी वाला एनीकट पर 2 फीट की चादर चल पड़ी है, यानी कि बांध से ऊपर 2 फीट पानी यहां पे बहना शुरू हो चुका है। साथ ही कई बांधों में पानी भी आवाक शुरू हो चुका है। ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। बसवा में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। इसी के साथ बांदीकुई के चोबड़ी वाला एनीकट पर 2 फीट की चादर चल चुकी है। गुरुवार दोपहर को 3 इंच की चादर चल रही थी। वहीं हम सैंदल सागर, माधो सागर, सिंडोली बांध में भी पानी आवाक होना शुरू हो चुका है, यानी कि पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, हम बात करें
तो जल संसाधन विभाग की मिली जानकारी के अनुसार रेडियो बांध के अंतर्गत 118, सोंदल बांध के अंतर्गत 65, बसुआ बांध में 45, सिकराय बांध में 30, मोरेल में 35, राहुवास में 25, दौसा में 32, रामगढ़ चबारा में 30 mm यहां पे बारिश दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग में मिली जानकारी के अनुसार सैंदल सागर बांध में 2 फीट, सिंडोली बांध में 4 फीट और माधो सागर बांध में 6 फीट पानी का आवक हो चुका है, यानी कि पानी का स्तर बढ़ चुका है। यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, किन किन राज्यों के अंतर्गत भारी बारिश की संभावना यहां पे मौसम विभाग द्वारा बताई गई है, राजस्थान के किन किन जिलों में मानसून सक्रिय होने वाला है, तो दोस्तों मानसून ने एक बार फिर से सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग ने आज गुरुवार को प्रदेश के 4 जिलों जिनके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 26 जुलाई शुक्रवार से जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार जयपुर सहित भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर और सवाई माधोपुर, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में 26 तारीख को भारी बारिश की संभावना यहां पे बताई गई है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं लगभग अधिकांश राज्यों के अंतर्गत राजस्थान में भारी से भारी मात्रा में यहां पे बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। अब किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ANI की 25 जुलाई 2019 की रिपोर्ट है, राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। जैसे कि मौसम विभाग ने शनिवार वो राजस्थान के लिए खतरा जाहिर किया था, उसकी तस्वीर पहले दिन यानी 25 जुलाई को साफ हो गई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वी राजस्थान में सक्रिय हो चुका है। राजस्थान के सीकर और बीकानेर जिले में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीकर में बाढ़ के जैसे हालात यहां पे बनते नजर आ रहे हैं, जिनके कारण SDRF की टीमें यहां पे पहुंच चुकी है। निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की यहां पे अपील की है। सीकर जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पानी पानी हो चुका है, यानी कि चारों तरफ जो है पानी भर चुका है। लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जयपुर से नाव सीकर मंगाई जा रही है, यानी कि सीकर पहुंचाई जा रही है। उसके बाद हम बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं भारी बारिश के कारण सीकर जिले के गोटे गांव में 2 बालक पानी में बह गए। इनमें से 1 बालक को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 1 बालक की मौत हो गई। इसी तरह सीकर जिले के रानोली में बरसाती नाले में 3 बाइक सवार गिर गए, जिनमें से 1 बालक की मौत हो गई और 2 बालकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सीकर शहर के साथ साथ ही लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में भी बाढ़ जैसे हालात यहां पे उत्पन्न हो चुके हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं राजस्थान के अधिकांश जिलों के अंतर्गत बहुत ही भारी मात्रा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात यहां पे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान में भी बाढ़ जैसे हालात, यानी कि मानसून जो है अब दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वी राजस्थान में सक्रिय हो चुका है। अब किन किन जिलों के अंतर्गत भारी मात्रा में यहां पे बारिश को लेके अलर्ट जारी किया है, कहां कहां पे बारिश होने वाली है, देख सकते हैं मौसम पलटा। चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, बूंदी, श्री गंगानगर में बरसे बादल। तो दोस्तों आप यहां पे इमेज देख सकते हैं, इस इमेज के अंतर्गत काफी ज्यादा यहां पे स्टैंड का नजर आप देख सकते हैं, बस स्टैंड पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और यहां पे दूसरी इमेज में सीकर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बरसात शुरू रही। यहां पे सीकर का दृश्य आप देख सकते हैं, कितनी ज्यादा यहां पे बरसात शुरू हुई है। अब आप यहां पे देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के 11 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी यहां पे जारी की है। बारिश से किसानों के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है, क्योंकि
बाजरे की जो फसल है, खरीफ की फसल है, वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो चुकी है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान के 10 दिन के अंतराल मानसून बदल चुका है, यानी कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बूंदी, गंगानगर, नागौर में बहुत ही तेज यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे बारिश की संभावना बताई जा रही है, यहाँ पे रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के मौसम विभाग की जानकारी, यानी कि राजस्थान में लगभग 90% जिलों में भारी मात्रा में बारिश यहाँ पे सुचारू रूप से जारी है। तो दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके राज्य में बारिश हो रही है, आपके जिले में बारिश हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यहाँ पे बारिश हो रही है, और जहाँ पे अभी तक बारिश नहीं पहुँच पाई है, मानसून नहीं पहुँच पाया है, तो उस राज्य का नाम या उस जिले का नाम भी जरूर लिखें, ताकि मैं उस राज्य की जो भी मौसम विभाग की सटीक जो भी अपडेट है, मौसम विभाग का पूरा अनुमान है, उसकी खबर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आ सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो मौसम यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।